भिवंडी की एक नई पहचान। यहाँ आपको बेहतरीन खाने के साथ साथ बच्चों के लिए कई गेम्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ सेल्फी लवर्स के लिए सेल्फी पॉइंट भी है। तो देर किस बात की, आप भी आए नवाब ढाबा और सभी सर्विसेज का लुफ्त उठाए। एड्रेस दीनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। विशेष तौर पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के ब्राह्मण अली, जहां लोकमान्य तिलक मंदिर पर आपको बता दें कि हृदय रोग चेकअप यानी कि शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टरों की टीमों के साथ में वहां पर कई सामाजिक संगठन और कई जो मरीज अपने अपने बीमारियों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, भारी मात्रा में दिखाई दिए। बात की जाए तो भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है और मजदूर तबके के लोग अपने इलाज के लिए कहीं ना कहीं घबराते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था, उनके पास पैसे ना होने के कारण जो है वो अपनी बीमारियों को अनदेखा करते हैं, जिनके कारण उनकी बीमारियां बड़ी हो जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज यहाँ पर शिवराज मित्र मंडल के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं विशाल बोड़के, इनके माध्यम से आपको बता दें कि आरोग्य के साथ में हृदय रोग चेकअप का यहाँ पर निःशुल्क जो है शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी मात्रा में लोगों ने अपनी बीमारियों को चेकअप भी कराया। आपको बता दें कि इस शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले वहां पर SMBT हॉस्पिटल की टीम मौजूद थी, और जिसमें आपको बता दें कि वहां पर प्रदीप बोड़के, विशाल बोड़के, कुणाल अहिरे, सिद्धार्थ खाने, नागेश ताड़क, सागर बोड़के, निखिल सेठे, प्रवीण घोसास, शैलेंद्र करले, ये सारे लोग मौजूद थे। सभी का वहाँ पर एक दूसरे को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान भी किया गया। ऐसे में हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान प्रदीप बोड़के ने अपने वक्तव्य में कहा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से यहाँ पर जो मजदूर तबके के लोग हैं अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो हृदय रोग चेकअप है, जिसका हम आपको बता दें कि हॉस्पिटलों में ऐसा जानकारी प्रदीप बोड़के ने दिया कि 3 से 4 हज़ार रुपये खाली चेकअप के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र 50 रुपये में जो है ये पूरे चेकअप किए जाएंगे, और जो इनकी बीमारी रहेगी जिसमें हृदय रोग 5 से 6 लाख रुपये लगते हैं, वो सारे जो बीमारियां हैं निःशुल्क जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के जो आयोजना है उसके माध्यम से किया जाएगा। प्रदीप बोड़के और इस संस्था के अध्यक्ष शिवराज मित्र मंडल के अध्यक्ष जो हैं विशाल बोड़के, इन्होंने क्या कहा और उनके साथ में जो डॉक्टर की टीम थी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। SMBT थे पूर्णपणे मोफत उपचारांसाठी नेतो आहे, आणि ह्यापूर्वी देखील आपल्या हॉस्पिटलकडून असंख्य अशा गरजू लहान बाळांना तसेच वयोवृद्धांना आणि इतर वयोगटातील पेशंट्सना निडींना आपण ही सर्व्हिस देत आहोत खूप वर्षांपासून। तरी ह्या NGO आणि हॉस्पिटलने जे काही त्यांच्या प्रयत्नांनी हा कॅम्प अरेंज केला आहे, तशा प्रकारच्या इतर पण कॅम्पचा आपण लाभ घ्यावा, कारण तुम्हाला इतर ठिकाणी ज्या सुविधा मिळत असतील आम्ही तेवढ्या प्रोव्हाइड करू, आणि मॅक्सिमम पेशंटला न खर्च करता होणार ही प्रोसिजर याची गॅरंटी देऊ शकतो। हे कार्यक्रमाचा उद्देश असा आहे की जो सामान्य लोग रहते हैं 3-3.5 हज़ार का खर्चा वो महंगा पड़ता है, यहाँ पर 50 रुपये में वो हृदयकार का चेकअप होता है, सामान्य लोगों के 3-3.5 हज़ार रुपये बचते हैं, और चेकअप होने के बाद जो ऑपरेशन का खर्चा आता है, ऑपरेशन करना जरूरी है समझो जिस पेशेंट के लिए, जो 4-5 लाख खर्चा आएगा वो टोटल मुफ्त ऑपरेशन का खर्चा हॉस्पिटल उठाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक कम से कम 250-250 लोग आ गए, बच्चे बूढ़े यंग, इसमें से अभी 50-60 लोगों का चेकअप हो गया है, अब मेरे ख्याल से और 250-300 लोग लाइन में है, मेरे ख्याल से 400-500 का इलाज हो जाएगा इधर आज ही के लिए, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। अच्छा, एक जिन बच्चों लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत है उनके लिए आप क्या कर रहे हो, मतलब आपके ही थ्रू से ही ऑपरेशन होगा या? नहीं नहीं, हमारे थ्रू नहीं, जो डॉक्टर की टीम है, जो SMT जो टीम है, ये डॉक्टर की टीम, ये ऑपरेशन की अगर ज़रूरत है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या यंग हो, अगर ज़रूरत है तो उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा, और डॉक्टर लोग करेंगे, उनकी संस्था करेगी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए मेडिकल कैंप, आरोग्य शिविर तो बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन मरीजों की जब इलाज की बात आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? शिवराज मित्र मंडल जो हमारा
मंडल एक है, उसके मार्फत से हम हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। जैसे आरोग्य के लेकर ज़्यादातर हमारा कैंप ऑर्गेनाइज रहता ही है, तो ये जो ऑर्गेनाइज हमने किया है इस बार हृदय रोग के बारे में, उसमें कैसे है कि ये चीज़ बहुत रेयर है और इसके पेशेंट भी जो है वो काफ़ी रेयर टाइप में रहते हैं। इसके लिए हमने बहुत एडवर्टाइज़ किया है, जैसे कि हमने रिक्शा दवंडी जो माइकिंग बोलते हैं, उसके बाद पैम्पलेट भी बांटे हैं, ताकि ये कुछ गिने चुने जो बहुत रेयर केस के अंदर जो गरीब बच्चे हैं जिनको हृदय विकार होता है, और काफ़ी बूढ़े लोग जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वैसे वैसे उनको हृदय की बीमारी बढ़ती है, उनके लिए उसका जो निदान करते हैं, मतलब उसका जो इलाज के लिए जो निदान करते हैं उसके लिए मिनिमम 3 to 5,000 rupees का उसका खर्चा रहता है। देन उसका ऑपरेशन जो करना है उसके लिए भी कम से कम 5 to 6 lakh rupees खर्चा आता है। तो यही चीज़ सामान्य जन सामान्य जो गरीब से पिछड़े लोग हैं उनको ये खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वही चीज़ हमने उनके लिए मुफ्त की है और उनका इलाज यहाँ पे मतलब जिसको भी तकलीफ होगी उनका इलाज जो है पूरा हृदय रोग का जो ऑपरेशन रहेगा वो उनका पूरा मुफ्त होने वाला है। इस तरह से देखा जाए आपने कहा कि फ्री में होता तो है, लेकिन अभी यहाँ पर जैसे एक आधा पेशेंट निकल गए उनको क्या आप कंटिन्यू फॉलोअप लेंगे आपकी संस्था या तो फिर? राइट उनका फॉलोअप भी होगा और उनको पूरा गाइडेंस दिलाएंगे कि कैसे आपको वहाँ तक आना है और उसके बाद जो ऑपरेशन होगा वो हमारी संस्था का पूरा फॉलोअप रहेगा। थैंक यू। तो आपने देखा प्रदीप बोर्ड के, विशाल बोर्ड के और डॉक्टरों की टीम ने किस तरह से जो मरीजों को खर्च आने वाले हैं उस खर्च को किस तरह से रोका जा सकता है, जो गरीब तबके के लोग अपनी बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते उन सभी को गाइडलाइंस किया गया। और विशाल बोर्ड के जो कि शिवराज मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो भी मरीज यहाँ पर अगर हृदय रोग का निकलता है, हार्ट का जो भी पेशेंट यहाँ से निकलता है, उस पेशेंट को पूरी इलाज जो है निःशुल्क जो है SMBT हॉस्पिटल के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिले किसी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।